गाइस फाइनली हम आए हैं अपने चंबल व्यू पॉइंट पे, जो कि आप देख सकते हो कितना ऊंचा है ये। और यहाँ से पूरा चंबल दिखता है, तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर यहाँ से दिखता है पूरा डिस्टेंस, तो आप देख पाओगे। तो गैस डंडा लेके बैठना पड़ता है यहाँ पे बंदर की वजह से। बंदर आ जाते कहीं से भी, यहाँ से कहीं से भी आ सकते हैं कभी भी। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, डंडा एक लेके चलना चाहिए ऊपर। बाई चांस यहाँ पे बैठे हैं और मैं सोचा छत पे सीधा आता जा रहा हूँ सोते हुए, यहाँ पे बंदर बैठे बहुत सारे। सो ही गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइस। तो फिलहाल मैंने एक ब्लॉग एंड किया है, दूसरा स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, ब्लॉग मैंने डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, डेली 8 बजे आपको मिल जाएगा। कन्हैया लाल मिस प्रभाकर झाड़ू लगाते हुए, क्या बोला तूने? ये अपने कन्हैया लाल मिस प्रभाकर जी, जो बहुत ही बड़े एक रचयिता हैं, इन्होंने बहुत सारे हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। चलिए गाइस फिलहाल फ्रेश होके आपसे मिलते हैं, तो नहा धोते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। और सही कह रहा, मैप बनाओ, मैप काय को मैप बनाओ, पागल है क्या? नहीं यार, के अंदर बाहर आते हैं। तो ये था कन्हैया का फ्रेंड। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। और अभी बज रहे सुबह के 8:01 हो गए गाइस, और अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग एंड किया, दूसरा स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं, चलते हैं। जियो बुक जो आने वाला है, लैपटॉप है जियो का नया एक, उसके ऊपर एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है और वो आपको टैग चैनल में मिल जाएगी, तो आप देख सकते जाके। और फिलहाल यहाँ पे लाइट को करते हैं बंद, चलते हैं नीचे। Many hours later. तो गाइस फिलहाल हम आए अपने मस्त व्यू पॉइंट पे चंबल पे, जो कि यहाँ से चंबल का मस्त व्यू पॉइंट दिखता है। हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है और यहाँ से गाड़ी दिखती रहती है, तो चलिए फिलहाल ऊपर चलते हैं और आपको यहाँ से कुछ व्यू दिखाते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं अपने चंबल व्यू पॉइंट पे आज, और आप देख सकते हैं पूरा बीहड़ है और इधर ही चंबल आपको दिख रही होगी, तो मस्त सनसेट का व्यू आएगा। चलिए दिखाते हैं आपको चल के। तो गाइस आप देख सकते हैं क्या मस्त व्यू पॉइंट है यहाँ से, और ऊपर से आपको दिखाएंगे चल के। तो चलिए, तो गाइस देख सकते हैं इस सामने जो एक रॉकेट जा रहा है। हम आए अपने चंबल व्यू पॉइंट पे, जो कि आप देख पाओगे, तो यहाँ से कुछ जहाँ से घड़ियाल देखे जाते हैं चंबल में, तो यहाँ से तकरीबन मेरे साथ 5 या 10 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस जो चंबल का है वो पूरी लंबाई दिखती है। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ से चंबल, और यहाँ से इस तरीके से होते हुए आगे तक एक जो घूम है, आगे से जो मोड़ है वहाँ तक दिख रही है और काफ़ी दूर तक दिख रही है। और देख सकते हो चंबल का पानी अभी तो फिलहाल कम है, वैसे जब पिछली बार बाढ़ आई थी मेरे हिसाब से तकरीबन यहाँ तक पानी आ चुका था, ये भी डूब गया था। यहाँ से ना व्यू काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, और शाम को फोटो शूट के लिए सनसेट हो जाता है तब काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और गाइस यहाँ पे जो क्रोकोडाइल भी रहते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो है सैंड दिख रहा है आपको, रेत, इस रेतीले इलाके पे अभी तो खैर सर्दी आने वाली है, जैसे ही सर्दी आ जाएंगी मगरमच्छ जो है पानी से निकल के वहाँ पर धूप सेकने के लिए आते हैं। तो अब जब मेरा चक्कर लगेगा सर्दी में तब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर शायद कोई दिख जाए क्रोकोडाइल तो देखते हैं, सर्दी में मैं आऊँगा। और फिलहाल तो कुछ ऐसा व्यू है, तो गाइस फिलहाल चलिए यहाँ से चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लिए, थोड़ा बहुत फोटो शूट कर लिए और यहाँ पे बस ब्लॉग बनाना था। और अभी तो खैर डेली लाइफ चले मैंने ले लिया है, तो 365 डेज मुझे बनाना ही पड़ेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में लोग आते रहते हैं जो गाय और भैंस चराते हैं गाँव में, ये गाँव का इलाका पड़ता है ना, तो यहाँ पर जो भी भैंसे हैं या गाय चराने आते हैं या बकरी चराने आते हैं, तो वो सिंपली यहीं पर इंजॉय करते हैं। और चारों तरफ बीहड़, तो यहाँ पे जो है गाय भैंसे चराते रहते हैं लोग। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ा पी जाओ। तो चलिए गाइस फिलहाल यहाँ से चलते हैं। A few moments later. तो गाइस ये रखे हैं लाइट्स, तो अभी हम इसको चलते हैं ऊपर लगाते हैं कमरे में। तो गाइस ये वाली जो लाइट्स हैं ये काम नहीं कर रही हैं, ये फ्यूज हो चुकी है मेरे हिसाब से, ब्लैक ब्लैक हो गया है इनका बल्ब, सही है। Oh, 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 oh
कुछ हमने ट्राई किए हैं और कुछ वर्क कर रही हैं, कुछ वर्क नहीं कर रही हैं। और फिलहाल देखते हैं ऊपर चल के सजा देते हैं, दो चार लाइट्स लगा देते हैं। और ये एक्चुअली में लेके आता पिछली साल, उसमें से कुछ वर्क कर रही है कुछ नहीं कर रही है। तो गैस ये वाली मेरे पास अप्रॉक्स 12 पीस में लेके आया था, अभी मेरे पास 6 या 7 पीस रखे हैं ये वाले। तो गैस ये लाइट्स, ये वाली लाल वाली, हरी वाली, ब्लू वाली, बहुत सारी रखी है मेरे पास, येलो येलो वाइट, बहुत सारी हैं। और देखते हैं क्या सीन रहता है। और ये रही 2, 2, 4 और 5, और एक वो लगी है, 6 लाइट्स हैं मेरे पास, ये वाली ब्लिंकिंग वाली। और नॉर्मल तो मेरे पास बहुत सारी लाइट्स हैं। तो गाइस चलिए फिलहाल ऊपर चलते हैं और लाइट्स लगाते हैं चल के। A few moments later. तो गाइस मैंने अपने स्टूडियो में सिर्फ एक लाइट लगाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ से कुछ मेन स्विच लेके मैंने यहाँ से ये लगा दी है, और उसके बाद अभी मैं ऊपर भी लगाऊंगा यहाँ पे, और फिर कुछ यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल मैंने एक ही लाइट लगाई है अपने स्टूडियो में, जो कि ये लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये बनियान यहाँ पे टंगी है, काफ़ी पुरानी बनियान है, जो कि पापा की है। और ये बेल्ट भी टंगी है, इसको हमको सब कुछ हटाना है। और ये देखिए चूहन काट दिया है, वेलकम नाम का था SH, और मम्मी ने बनाया था। तो गाइस यहाँ पे लाइट्स लगानी है मुझे अभी, और यहाँ पे लाइट्स लगाने के लिए मुझे सीढ़ी यूज़ करना पड़ेगा। तो सीढ़ी वहाँ रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्या, मैं तो एक या दो दिन बाद लगा दूंगा, अभी काफ़ी दिन है, 7 दिन है लगभग। तो गाइस आज मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया है जितना भी मुझे टाइम मिला है, और उसके बाद हम चंबल व्यू पॉइंट पर भी गए थे शाम को, और उसके बाद थोड़ी बहुत ये लाइटिंग भी कर दी, और थोड़ी बहुत लाइटिंग और करनी है, वो मैं एक दो दिन बाद करूँगा। और काफ़ी मैं थक गया था, और यहाँ पे जो सीढ़ी लगानी पड़ेगी, काफ़ी ऊपर लगाना पड़ेगा, तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं किसी और ब्लॉग में करूँगा, किसी और दिन कल या परसों में कर दूँगा। चलिए फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं, ब्लॉग पसंद आता है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाय, टेक केयर, बाय।